पाल जी जिस प्रकार से 30 वर्ष से सीआरपीएफ में सेवाएं दे रहे थे और जिस प्रकार से उनके साथ ये हादसा हुआ और उससे वाकई इसके परिवार को तो दुख है ही है, इस गांव को, इस इलाके को भी दुख है। ऐसी दुख की घड़ी में सारा गांव, सारा परिवार, सारी सरकार, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इस दुख को में इनके साथ खड़ी है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि परमपिता परमात्मा इनको अपने चरणों में स्थान दे और ऐसे शहीद को भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं एक ड्यूटी पर रहते हुए। ये बड़े ही दुख की घटना है। 30 वर्षों से अपनी सीआरपीएफ में जवान थे और सेवाएं दे रहे थे, अभी इंजोरों में इलेक्शन ड्यूटी पर थे, वहाँ अचानक ये हादसा हो गया और इकलौता ऐसा परिवार का सदस्य था जिसपे पूरा परिवार निर्भर था, इसी के ऊपर सभी देख रहे थे और सारा जो गुजारा था परिवार का इनके ऊपर था और उनके जाने के बाद परिवार को तो बहुत दुखी पहुंचा, लेकिन सारा गांव बहुत दुखी है। बहुत ही सरल और बहुत ही मिलनसार था राजपाल जी, लेकिन आज ये बड़ी दुर्घटना हुई है तो इससे सारा गांव दुखी है। वो पिछले 30 साल से सीआरपी में अपनी सेवा दे रहे थे और एक बहुत ही सब नरम दिल के और स्वभाव के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे, सबके सबसे हंस के मिलते थे। आज पूरे गांव को बड़ा दुख है इस बारे में कि हमारे राजपाल भाई हमारे बीच नहीं रहे। तो छुट्टी पर भी आना था उन्होंने? हाँ, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, भाई मैं जनवरी में जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, इनकी काउंटिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं छुट्टी आऊँगा। 1 जनवरी के आसपास उन्होंने छुट्टी आना था। और उनकी एक बेटी विदेश में है, लड़का एक इधर है, 2 बच्चे हैं उनके पास और 3 भाइयों में बीच का था ये, एक भाई बड़ा है, एक छोटा है। बाकी पूरा गांव पूरा गमगीन है क्योंकि राजपाल जैसे इंसान अगर गांव से चले जाएंगे तो बहुत बुरा लग रहा है सर पूरे गांव को। आपका नाम सर? मेरा नाम ड्यूटी में बहुत अच्छे थे, ड्यूटी ये बहुत पवन थे, मिजोरम में ड्यूटी पर गए हुए थे, वो इलेक्शन ड्यूटी थी वहाँ की, वहाँ पर उसने बहुत अच्छी ड्यूटी की है और अचानक उसको छाती में दर्द हुआ, छाती में दर्द होने से मतलब उसकी डेथ। तो स्ट्रॉन्ग रूम के इंचार्ज थे वहाँ पे? हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम के इंचार्ज थे। छुट्टी पर भी आना था चुनावों के बाद? हाँ, अभी छुट्टी आने वाला था, वो चुनाव होते ही बोला गया था छुट्टी जाने के लिए, मैं छुट्टी एप्लीकेशन दे रही थी, छुट्टी आने वाला था, उससे पहले घटना घटी। तो सर कितने दिन पहले?